Namaste everyone. So without wasting much time, let's see how to calculate physical address from logical address. So as we have seen, CPU generate logical address, okay, and whenever CPU execute that instruction, it require physical address of that particular instruction in main memory. So over here, let's say over here it is represent processor, okay, processor generate logical address, LA for logical address. अब ये जो लॉजिकल एड्रेस है वो किसको सबमिट तो नहीं, एक्चुअली ये जो है वहां पे एडर उस पर प्रोसेस करता है. क्या एडर क्या करता है, जस्ट यू कैन से नेम सजेस्ट एडर टू परफॉर्म एडिशन. ओके, किसकी वैल्यू को वो एड करता है, बेस रजिस्टर की वैल्यू. ओके, एंड यदि आपने रिलोकेशन और रिलोकेटेबल कोड का वीडियो देखा है, देन यू कैन गेट आइडिया ऑफ व्हाट इज बेस रजिस्टर एंड अनदर रजिस्टर दैट इज लिमिट रजिस्टर. ओके, सो इफ यू हैवंट वॉच येट, देन प्लीज फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, देन ओनली यू विल गेट टू नो व्हाट व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस एंड व्हाट इज बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर. सो बेस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 40020. Can user modify this register value? No. It is defined by operating system and only operating system can modify value of this registers. Okay. So, base register mein uski value hai 40020. Ab adder hai, wo kya perform karta hai? CPU ne jo logical address generate kiya hai, uska addition wo base register ki value ke saath karta hai. For example, उसने जनरेट किया 100, ओके, सो 100 प्लस वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर, सो 100 प्लस 40020, सो आफ्टर दैट ये जो है उसका फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ LA प्लस BR. अब ऐसा जरूरी है हर बार कि ये जो फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ वो सही है? नहीं, वो हर वक्त हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सही ही है. क्यों? बिकॉज हाँ, ये सही हो सकता था कब, जब हमने मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं अप्लाई किया हुआ है, जब मेन मेमोरी में एक प्रोग्राम को ही लोड किया जाता है, देन वी कैन से दैट दिस कंडीशन इज ट्रू. ओके, व्हेन देन आफ्टर दैट वी डोंट नीड टू परफॉर्म एनीथिंग. व्हाटएवर इज अ समेशन ऑफ LA प्लस BR, दैट इज एक्चुअल फिजिकल एड्रेस. बट हम अभी जो सिस्टम में इम्प्लीमेंट होता है वो मल्टी प्रोग्रामिंग है. दैट मीन्स इन मेन मेमोरी देर आर मोर देन वन प्रोग्राम्स आर लोडेड. ओके, सो तब हमें क्या करना होता है कि ये जो फिजिकल एड्रेस आता है उसकी हमें लिमिट चेक करनी होती है. कि जैसा कि आपने रिलोकेटेबल का जो वीडियो है उसमें देखा था कि उसमें जो जंप इंस्ट्रक्शन थी वो किसी दूसरे मेमोरी पोर्शन में थी जो उस प्रोसेस में थी ही नहीं. ओके, सो इसलिए हमें उसका लिमिट चेक करनी होगी. तो उसके लिए कौन अब पिक्चर में आता है, कंपैरेटर. कंपैरेटर का काम क्या है, तो कि वो जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है उसको किस लिमिट रजिस्टर के साथ कंपेयर करता है. ओके, क्या करता है, वो कंपेयर करता है. अब यहाँ पे दो केसेस है, दो फ्लो है. पहली, PA इज लेस देन LR रजिस्टर. यदि फिजिकल एड्रेस की वैल्यू लॉजिकल रजिस्टर से कम है, देन वी कैन से दैट इट इज एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. बट यदि ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, लेट्स से उसकी वैल्यू है 41010, which is greater than LR, value of limit resistor. Over here, LR is for limit resistor, okay? So, tab us case mein kya hota hai? Interrupt to operating system. Physical address jo hume mila hai, wo us process ka hai hi nahi, jo memory mein load hui hai. Okay? That is why this interrupt is generated. So, chaliye ab hum ek example dekhte hai, aur उसमें से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एल ए इक्वल टू 990, सो एल ए क्या है, लॉजिकल एड्रेस. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर इट, और प्रोबेबली इफ पॉसिबल यू जस्ट नोट डाउन, एल ए इज लॉजिकल एड्रेस, पी ए फिजिकल एड्रेस, बी आर बेस रजिस्टर, एल आर लिमिट रजिस्टर. सो वेर इट विल बी एलोकेटेड इन द मेमरी,
सो फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोसेसर है वो क्या लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, उसने लॉजिकल एड्रेस क्या जनरेट किया 990, तो अब हमें इस हिसाब से उसकी फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करनी है. ओके सो सॉल्यूशन. ओके फर्स्ट हाउ टू कैलकुलेट पी ए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू परफॉर्म एडिशन. यू कैन सी ओवर हियर वी आर परफॉर्म एडिशन, एडिशन ऑफ एल ए प्लस बी आर. सो यू कैन सी ओवर हियर एल ए प्लस बी आर, वॉट इज वैल्यू ऑफ एल ए 990 लॉजिकल एड्रेस प्लस बी आर, वॉट इज वैल्यू ऑफ बी इज रजिस्टर 40020. सो वी गेट वैल्यू ओवर हियर दैट इज 41010. नाउ अब जो है वो कंपैरेटर की टर्न आती है. वो क्या करता है, वो जस्ट इस कैलकुलेशन को, इस कंडीशन को चेक करता है. एंड इन दिस केस PA दैट इज फिजिकल एड्रेस इज ग्रेटर देन लिमिट रजिस्टर, सो इंटरप्ट विल बी जनरेटेड. ओके सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस फ्रॉम गिवन लॉजिकल एड्रेस. ओके सो यदि आपको फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है तो तीन चीज आपके पास होनी चाहिए, लॉजिकल एड्रेस, बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर. ओके वॉट इज लिमिट रजिस्टर, इट इज साइज ऑफ द प्रोग्राम, इट इज साइज ऑफ द प्रोग्राम. ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.